55 के अलावा और कोई क्वेश्चन है नहीं, मतलब मैं मान के चलो भी हो गया 6.1। चलो 55 क्वेश्चन नंबर बोलो। 55 हां जी, रिंकू तो ना, रिंकू टिंकू कर्म बार सात अनुपात आठ अनुपात छे दे अनुपात विच 4200 की रकम आपस में पढ़ लें। किन्ने सौ की रकम रेशो च बंडे जाता जी? सत्त रेशो अठ रेशो किधर किच बंडे जाता? टिंकू रिंकू टिंकू क्लियर कहता। उन्होंने हरेक शेयर 200 रकम जोड़ दी जाती है तो उन्होंने शेयर का शेयर की रकम का नवा अनुपात की होगा। क्या जो उन्होंने हरेक टिंकू के भी रिंकू भी टिंकू भी किन्ने किन्ने रुपये जोड़ दिते जा? 200 नवा अनुपात की होगा। क्लियर, पहली गल अनुपात इस तो बड़ा होगा क्योंकि दोनों से बद रहा तो बधू ही बधूगा, रेशो तो बधू ही, ठीक है। गैप भी सेम रहेगा हर एक केस दे विच। आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते सवाल के नहीं, ऑप्शन की पूछते हैं अठ रेशो नौ रेशो छे पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सत्त रेशो नौ रेशो पंज, तीसरा ऑप्शन की है सत्त अठ छे, चौथा ऑप्शन की है अठ नौ सत्त। देखो क्लियर, जो दोनों 200 रुपये हर एक बद रहा तो इक्वल अमाउंट इनक्रीज हो रहा ना, तो रेशो भी इक्वल ही इनक्रीज होगा। यह नहीं है कि एक का वादा होगा दूजे को दो का, पॉसिबल नहीं है, रेशो भी उवें ही वादा होता है, ठीक है। सात तो कोई की अठ हो सकती है, अठ तो एक एक का वादा होया, पर छे तो छे ही है, पॉसिबल है कदे बधूगा ना इतनी भी, तो यह ऑप्शन अपना नहीं हो सकता, ठीक है ना। दूजा ऑप्शन देखो सात तो सात ही रह गया, कुछ बाकी नहीं हुआ, ठीक है। सात तो सात ही रह गया ना, अगर यार तो बाद गया पर घट गया, पॉसिबल ही कुछ बढ़े कुछ घटे, ठीक है। सात तो सात ही रह गया, ये भी गलत, ठीक है। करना क्योंकि
क्योंकि नन ऑफ दी जिथे आएगा उसे डाउट हो गई होगा कि नहीं हो गई ना आंसर, तो उसे एग्जैक्ट पता करना होगा अपन सॉल्व करने के लिए नन ऑफ दी देखे नहीं जो नहीं होता क्योंकि चार ऑप्शन ही होते मोस्ट ऑफ दी पेपर बैक में छड़ के बैक का ही क्वेश्चन आ जाएगा जो नन ऑफ दीज नहीं होता फिर तो आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते सी पर नन ऑफ दीज होने करके आप ऑप्शन के थ्रू नहीं जा सकते ठीक है। तो हम देखो किन्ने सौ की रकम बंडे गए बयाली सौ किन्ने भागा च टोटल किन्ने भागा च तीन भागा च पहले भाग में कि मिले सत्त दूजे भाग में कि मिले तीजे भाग में कि मिले टोटल किन्ने से रेशो के रेशो कि टोटल इक्की ही मैं बढ़ना बयाली सौ इक्की दिवाल कि हो जू होगा कि नहीं एक दी वैल्यू कितनी हो जू 200 बयाली सौ बटे कितनी बयाली दो एक आ गई कोई डाउट है जे एक वैल्यू 200 है तो सात की वैल्यू अठ की वैल्यू छे की वैल्यू पर यह अपना आंसर नहीं है रेशो से करना कदों करना 200 रुपये बढ़ा के कहना हर एक 200 रुपये वाधा होगा तो पैसे 200 वाधा होगा तो कितना आ जाएगा 1600 कौन इतना रेशो लेना तो दो जीरो कैंसल हाँ जी आठ नौ दो पहाड़ से कर देंगे मैं आठ दुनी नौ दुनी सात दुनी आठ रेशो सात नौ रेशो सात एक ही अपना ठीक है कोई डाउट है पर एक चीज और देखो एक की वैल्यू रेशो की कितनी है रुपये च 200 है या 200 रुपये किन्ने रेशो के बराबर है जब मैं कहा 200 रुपये बढ़ाना तो रेशो च मैं कितना बढ़ा सकता सी सवाल च 200 ही बढ़ाना सी 200 रुपये बढ़ाने सारे रेशो के एक बढ़ा दो ठीक है ना पहला रेशो कितना सी
ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ a ਬਟੇ b b ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ 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 c ਬਟੇ d c ਬਟੇ d ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੋ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਆਊਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਣ ਆ b ਤੇ c c ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ a ਗੁਣਾ d ਬਰਾਬਰ ਹੈ b ਗੁਣਾ c c ਦੇ ਬਸ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾ ਕਰੋ ਆ ਰੂਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਆ ਲਾਂਦੀ ਰੋਡ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਆ ਅੰਤਰਲੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਛਾ 5x ਬਰਾਬਰ 8 ਇੰਟੂ 75 ਬਾਈ 100 ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ 100 ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪੜ ਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਹਾਫ ਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਖਾ ਲੈਵਲ ਸਵਾਲ ਆਊਗਾ
एलीगेशन भी लगे हुए हैं कई आ गए, कई बिना एलीगेशन तो भी हो तो पहला सवाल ट्राई करते सभी के पास सबूत है ना।
ਤਨਖਾਹ ਨਾਲੋਂ ਬੀ ਚਾਸੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਿਆ
ਏ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 2400 ਨੀਚੇ ਕਿੰਨਾ ਜੂ 1200 ਤੇ ਪਰ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖੂ ਨਾ 100 ਹਾਂਜੀ 1200 ਦੁਨੀ 2400 2 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਜੂ 200% ਵਧਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾ 200% ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋ दूजे तीजे कटूंगा 1200 एक आजूगा एक दो आजूगा उ चीज रहेगा ना रेशो रह नहीं रहा ठीक है मैं जो भी परसेंटेज पूछा है या रेशो से ही पूछ रहा कुछ भी तो एक्स्ट्रा चीज को लेने की लोड नहीं होती आंसर अपना रेशो से ही है तो रेशो की कर दी रेशो नहीं चक्कर ठीक है हर क्वेश्चन देखो उम्र का जोड़ किन्ना लिखा बीसी दो बंदे ने दो दोस्त ने है कि नहीं किन्ना जी रेशो किन्ने रेशो इक्वल करना ना इक्वल करने का तरीका की है एबीसी जो समझा लो चाहे रखना मतलब रेशो ते ए दी ए दी उम्र कितनी है 9 बी दी कितनी है 15 सी दी कितनी है 25 जे तिन्ना दे उम्र नु जोड़दा मैं रेशो नु कितना बनूगा 49 रेशो जो 49 एक्चुअल जी कितना देर का सवाल है सर 147 49 दी वैल्यू 147 एक दी वैल्यू 147 बटे 49 तीन ते कटे हो गए 49 की 147 होता है 49 की कितना दे 147 एक दी वैल्यू 3 ना 15 दी वैल्यू पता करनी है बी दी उम्र का पता करना एक दी वैल्यू 3 ना 15 दी वैल्यू 15 गुना 3 कितना दू 47 आप ना करें तेरा तो जाओ है पर ये कह रहा हूं क्या है
और प्रॉपर फिर हराने का फायदा नहीं है, विदाउट कहना कुछ नहीं है, ठीक है। एक स्कूल गणित भौतिक विज्ञान से जीव विज्ञान दिया सीटा कि पांच अनुपात सत्त अनुपात ओके की गल है पहले इस टाइम के सवाल कभी की ठीक है ना तो औखा ना मनो ही नहीं वह पता नहीं जे पता लगेगा तो तुम अगले क्वेश्चन भी करो ठीक है देखो एक स्कूल गणित भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान पता है तिना बार की कुछ कह रहे गणित की होता है भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान तो मैथ नू मैं एम नाल फिजिक्स नू बायो नू कॉम्बिनेशन बनता नहीं है रियल इतने कैमिस्ट्री आ सकता है पर हम दो मेडिकल ते मेडिकल का बायो नहीं होता मैथ वाला कैमिस्ट्री होता मेडिकल का कैमिस्ट्री होती है बायो का आर्ट्स होती है वो कॉमर्स जो यही कॉमर्स कॉमर्स मैं भी तो आया था मैं कॉमर्स कॉमर्स जो यही है बायो का नहीं होती बायो चलो बड़े आगे आप बोल रहे हो पांच अनुपात सात अनुपात आठ दे रखे हैं ठीक है ना चला इतना सीटा अनुक्रम बार 40% ਪੰਜਾਹ% ਦੇ 75% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧਾਉਂਦਾ 50% ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ 50% ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ 75% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾ ਇਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਵਧਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਕਿਤਨਾ ਆਇਆ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 50 ਦਾ 40% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 20 ਹੁੰਦਾ ਜੀ 50 ਦਾ 40% 20 ਜੇ 20 ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਗਾ 70 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਠ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ 50 ਦਾ 40% ਕਿੰਨਾ 50 ਦਾ 40 50 ਗੁਣਾ 40 ਵਟੇ 100 ਲੈ ਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੇ 20 ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਵਾਂਗੇ 20 ਲੈ ਲਾ 70 ਦਾ 50% 50% ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਧਾ 35 ਤੇ 70 ਕਿੰਨਾ 10 ਬਦਾਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕਿ ਜੋੜੋਗੇ 50 ਦੇ ਵੀ ਜੋੜੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 70 ਲੈ ਲਾ ਹੁਣ 70 ਦਾ 50% ਵਧਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ 50% ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਅੱਧਾ 70 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ 35 35 ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜੂਗਾ 105 105 ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ 80 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ 75% 80 ਦਾ 75% 60 80 ਗੁਣਾ 75 बटे 100 कर लेने अपन मैं पता 60 होगा कितना कटता जाएगा 3 25 का 75 25 का 20 का 80 80 भी दिया तो कितना बताओगे 60 80 को 60 से कितना जोड़ा 140 तन्ना जगह नया आया रेशो आया कितना गया
सत्तर एक सौ पांच दे एक सौ चालीस की आगे कट रहे ने कट रहे ने कट्टा तो सात के पहाड़ से कट दो चाहे तब पहला सात के पहाड़ से कट दिया सात का है सत्तर पंद्रह सात है एक सौ पांच बी आ गए ले रहा बी सात है एक सौ चालीस थोड़ा सा कटेंगे मांदुली पांच से पहाड़ से कट दिया क्योंकि दो से कटे ही है ना मांदुली दस पांच ही है पांच सौ के ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਪੈਂਤੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆ ਪੈਂਤੀ ਏਕਮ ਪੈਂਤੀ ਪੈਂਤੀ ਦੂਜੀ ਸੱਤਰ ਪੈਂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜ ਪੈਂਤੀ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਲੀ ਪੈਂਤੀ ਤੀਆ ਪੈਂਤੀ ਵਜੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪਚੱਤਰ ਪੈਂਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੋ ਦੋ ਸੌ ਦਸ अगला क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल इजी क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन आप करके आए हैं अनुपात तेना का औसत संख्या कितनी है ये औसत पांच आ गया और पांच जोर आए ये ना सात किया एक किया एवरेज है पढ़ो एवरेज है सब मुद्दा फिर पता कर फिर आप आगे एवरेज में सम से कन्वर्ट करना एक किन्ने चीजा का एवरेज है सम कितना जो 360 दोनों मल्टीप्लाई हां जी 360 से डिवाइड कर दो 5 360 कितना डिवाइड करेगा 5 एक की वैल्यू कितनी है जो 72 हां जी बाकी पता लगा।